नीबू का क्या हुआ? कहाँ रहते? तुम ढूंढ रहे हो? नहीं, हटो यहाँ से। उस घर में कोई चीज जगह पे नहीं मिलती। अब दूध यहाँ है तो डायपर्स कहीं और है। अब कहाँ है डायपर्स? पर शायद किचन में होंगे। आखिर नीबू भी तो बेडरूम में मिला था। नीबू, आपको नीबू मिला था यहाँ? हाँ। कहाँ? गद्दे के बीच में। तो कहाँ कहाँ है वो नीबू? यहाँ। What? आप वो नीबू खा गई? खा नहीं गई, पी गई। अरे बाबा, नैना के सर में दर्द था, मैंने नींबू पानी बनाया, उसको पिलाया। आपको याद है ना, उसके सर में दर्द था, याद है ना? अरे दादी, ये क्या कर दिया आपने? नींबू कुछ खास था क्या? नहीं पीना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन नैना को सुबह से उल्टियां लगी हुई थी। किचन में नींबू मिला नहीं तो बेडरूम में मिल गया, ठीक है, मगर नींबू काला पड़ गया था। काला पड़ गया था? हाँ, पूरी तरह काला पड़ गया था, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से ठीक था। यहाँ पड़े हैं डायपर्स। नींबू काला पड़ गया था? क्या उसने नींबू का सेवन कर लिया? हाँ पंडित जी, उस नींबू का नींबू पानी बनाकर मेरी पत्नी पी गई। जब वो नींबू पानी बना रही थी तो नींबू का रंग कैसा था? पता नहीं पंडित जी, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि वो नींबू काला पड़ गया था। अनर्थ, अनर्थ हो गया। अरे पंडित जी, आप साफ साफ बताइए ना, जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने उस नींबू में मंत्र फूंक के दिए थे, अगर उस आत्मा ने उस नींबू का सेवन कर लिया तो उसका एक ही परिणाम हो सकता है कि वो पहले से भी और शक्तिशाली हो गई है। और शक्तिशाली? अरे दादी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठी हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? दादी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नीचे पैम और सुधा आंटी आई हुई हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, एक आप ही हैं जो इस समय मेरी मदद कर सकती हैं। मीरा को समझाइए कि वो मुझसे बात कर ले, मेरी कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज दादी प्लीज। मान बोले चला जा रहा है, कुछ सोचने की स्पेस तो दे। चुप हो जा। देखिए इसे, देखिए मेरी बेटी को रो रो के उसका क्या हाल हो गया है। सुबह से लोग फोन कर करके इसे ताना दे रहे कि इसने कैसा जीवन साथी चुन लिया अपने लिए। आप शांत हो जाओ प्लीज। कभी बेटा कभी। सुधा भाभी, आप मुझे कुछ कहने से पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ क्यों नहीं कहती है? आज इनकी वजह से लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं, हमें बातें सुना रहे हैं। भाभी चुप नहीं रहूंगी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इनसे कहिए मेरे सवालों का जवाब दे, वो भी अभी। बस बहुत हुआ। लड़की वाली हूं ना, इसलिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं, हम भी गैरतमंद इंसान हैं। शादी की तैयारियां हो चुकी, इनविटेशन कार्ड जा चुके हैं, पर ओ, अब मेरी बेटी की शादी का वेन्यू चेंज हो जाएगा, सेंट्रल जेल। वाओ, मेरा बेटा आज भी मेरा ही बेटा है, लेकिन आज आपके मन को इतनी बड़ी ठेस क्यों लगी? शादी से पहले आपका मान सम्मान क्या था? मेरा परिवार की बहू बनने से पहले क्या थी आप? कुछ भी तो नहीं। एक एरास्ट्रेस की नौकरी करते हुए मेरा परिवार के बेटे की गोदी में गिर पड़ी, है ना? जी बिल्कुल। नमस्कार, हाथ छोड़ के हम आपके सामने खड़े हैं, बताइए और कैसे कैसे अपनी बेइज्जती करवाएं? अपनी औकात आज आपने दिखाई दी है। नामी परिवार में शादी होने से किसी को नाम हासिल नहीं होता, उधार का नाम होता है वो। वैसे आपके तौर तरीके आज भी वैसे ही है। कौन है भाई, इतनी जल्दी क्या? एक मिनट रुक जाओ। आप कौन है? मेरा नाम रीना है, मुझे मिस्टर खुराना से मिलना है। आप, आई अंडरस्टैंड, आप ठीक तो है? आप कौन से खुराना को मिलना चाहते हैं? रेहान, मैं यहाँ रेहान खुराना से मिलने आई हूँ।
रेहान, क्या काम है आपको रेहान से? नहीं, मुझे बस उस आदमी से बात करनी है। रेहान खुराना लड़कियों को एक मजाक बना के रखा है उसने। बहुत हो गया, बुलाइए उसे। ऐसा तो क्या कर दिया रेहान ने आपके साथ? आपको क्या करना है, आप बस उसे बुलाइए। डोंट आस्क क्वेश्चंस। हक है मेरा, मैं उनकी बीवी हूँ। लड़के, जस्ट शट अप। तुम मेरे घर में हो और मेरे बेटे के बारे में तुम इस तरह अनाप शराब नहीं बोल सकती। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है और आपका बेटा उतना भी भोला नहीं है। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर मुझे छोड़ दिया। एक बार पलट के भी नहीं देखा। और तो और उसने मेरे पैसे भी चुराए है। रेहान खुराना झूठा और मक्कार इंसान है। ऊपर से शादीशुदा भी। रेहान खुराना कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। यू लूजर, सामना करो मेरा। ये नहीं हो सकता, ये तो हद हो गई है। शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मेरे पति का चक्कर चल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। नैना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बिना जाने किसी की बात को तुम कैसे मान सकती हो? नहीं मम्मी जी, वो बेचारी झूठ क्यों बोलेगी? वो तो खुद रेहान की शिकार है। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पति बच्चलन निकला, अब मैं क्या करूंगी? आप उसे बुलाएंगे या नहीं? नैना जी, नैना क्या हुआ पुत्र? धोखेबाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नैना जी, बेटे को छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को। तो क्या आटे उतारो इसकी? ये लड़की तुम्हें मार क्यों रही है? अब क्या किया तुमने? I really don't know यार। पहली बार देखा हूँ इसको, मैं जानता भी नहीं। Oh, really? किसका नंबर है ये? देखो ये मैसेजेस, तुमने मुझे ये मैसेजेस भेजे हैं ना? बोलो। मैंने कब भेजे ये? I love you so much. मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। इरा, ये तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इरा, ये मैंने नहीं किया ये। I hate you, Armand. Yes, I do. इरा, इरा मेरी बात सुनो। इरा, इरा मेरी बात सुनो। This is too much. Listen to me. Acting कर रही थी वो, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? Really? Setup था ये सब? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे फोन से ये romantic messages उसके पास कैसे पहुंच गए? ये आज तक मुझे ऐसे messages नहीं भेजे। इरा, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो message उसपे गए कैसे? अब इसमें समझने वाली क्या बात है दादी? किसी का फोन चुराना और उस फोन से मैसेज भेजना बहुत आसान काम है। वैसे आप तो जानते हो ना, वो अरमान एक नंबर का केयरलेस है, दो दो घंटे बाथरूम में पड़ा रहता है। तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और उसका मैंने फोन चुराया और उसके फोन से मैंने रीना को मैसेजेस भेज दी और फिर मैंने मैसेजेस डिलीट भी कर दिए। तो अब तक अरमान को ये नहीं पता कि उसी के फोन से रीना को मैसेजेस गए। कमाल कर दिया तूने, एक ही तीर से दो दो निशाने। और मैं ना तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ अरमान, और तुम जैसे चीट से ना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या कमाल की एक्टिंग करी तुमने नैना, मजा आ गया। अब क्या बोली तू रेहान से, जबकि मेरा पति जो इतना धोखेबाज है। बहुत हो गया, चुप कर। क्या हो गया तुझे? तू मेरे पति के बारे में इतनी बुराई करिए बुढ़िया, हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हो गया तुझे, ऐसी बात कर रही है मुझसे? दादी कहती है ना अपने आप को, ये काम होता है दादी का, कोई काम धंधा नहीं है तुझे। हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है, यहाँ तक चली आई। देख बुड्ढी, तेरी हेकड़ी जमानी है ना तो अपने खुद के घर पे जमा, यहाँ नहीं। मैं किसी की नहीं सुनने वाली, सुना तूने? ये तू ऐसे बोल रही है, मैं बोझ लगती हूँ तुझको? मेरा प्यार झूठा लगता है तुझको? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मुझे तेरी नफरत नहीं चाहिए, मुझे तेरी और तेरी गृहस्थी के बीच में नहीं आना। तू चली जा, मैं जा रही हूँ। निकल यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, निकल रही हूँ। निकल, तुझे कोई रोकने भी नहीं वाला।
दादी 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 आप रो क्यों रही हैं? दादी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्यार अब लोगों के घुटन बन रहा है। मुझे लगता है जैसे कि मैं दोबारा हार गई, जैसे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। लेकिन दादी आप बस अब मुझे जाने दो, खुली हवा में रहूंगी तो शायद मुझे इस अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। दादी आज का दिन ही बहुत मनहूस है भाई, आपको तो पता भी नहीं है माँ पे क्या गुजर रही है। आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, तुम तो सोच भी नहीं सकते क्या गुजरी होगी मुझ पे और अरमान पे। रिहान तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा, इसलिए ये सब कुछ मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब और नहीं, पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब मैं चुप नहीं रह सकती बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मंदिर जैसा घर अब सुरक्षित नहीं रहा। माँ आप ये सब क्या कह रही हैं, साफ साफ बोलिए ना। रिहान तुमने नोटिस किया है, जब से नैना ने इस घर में कदम रखा है तब से इस घर के हालात एकदम से बदल गए। नैना बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर उसका है लेकिन उसके अंदर आत्मा किसी और की है। ये सब आप क्या बोल रही हैं? ये सब रिहान आप भी उस पल को याद करती हो ना तो मेरी रूह कहाँ उठती है। जब नैना ने हम पर अटैक किया तो हम दोनों मिलकर भी उस लड़की का सामना नहीं कर पाए। पता नहीं उसके अंदर वो शक्तियां कहां से आ गई। उबलते पानी में उसने मेरे दोनों हाथ डाल दिए और जब तक मेरे हाथ नहीं जले तब तक उसने मुझे उठने नहीं दिया। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पंडित जी जो कुछ भी कह रहे जो कुछ भी सोच रहे वो सब उनका प्रभाव हो। माँ वो एक्चुअली मैं पंडित जी से मिलने गया था। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे माँ, वही नॉनसेंस कि हमारे घर में कोई काला साया रह रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।